हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये ऐसा करती हूँ। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को जय माता दी। तो मैं मंदिर जा रही थी पूजा करने के लिए, और आज मंदिर की साफ़ सफाई भी करी थी, माता जी को स्थापित किया था। स्थापित का मतलब पाटे में रख दिया था, वैसे पूरा कलश वगैरह नहीं रखती हूँ। तो ये डब्बा भी मैंने साफ़ किया था, तो इसमें सब कुछ मैं भर रही हूँ। सुपारी है, बतासे हैं, लौंग, इलायची, चावल, सिंदूर। तो मैंने काली मिर्च धोखे से भर दी थी, फिर मैंने उसके ऊपर लौंग डाल दी थी। तो और पान वगैरह मंगा लिए थे, तो मैं मंदिर जा रही थी, तो पान है, बताशे हैं और फूल है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, यही सब लेकर मंदिर गई थी। मंदिर से वापस आकर फिर मैंने पूजा पूरी नहीं करी, मंदिर से वापस आई तो बच्चे भूख लगी थी, तो मैंने उन लोगों के लिए पहले नाश्ता की तैयारी कर दी। तो नाश्ते में मैंने बना लिया था साबूदाना गप्पे का, कल बनाए थे तो वो रखा था मिला हुआ, तो मैंने सोचा चलो उसी के कटलेट बना देती हूँ। तो श्रेया के लिए मैं उसी के कटलेट बना रही थी। और श्रेया के लिए कटलेट बना दिए, फिर उसके बाद मैं पूजा वूजा करूँगी, कि मैंने कहा बच्चों को पहले नाश्ता वगैरह दे दूँ, क्योंकि पूजा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, नवरात्र का पहला दिन है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने सोचा चलो पहले बच्चों को नाश्ता दे दिया जाए, फिर उसके बाद आराम से पूजा करेंगे, तो भड़बड़ भी नहीं होगी, वरना सुबह नाश्ता ना दो तो भी बाद में रहता है कि जल्दी जल्दी पूजा करो, फिर बच्चों को नाश्ता भी देना ही है, तो दे के बैठो तो आराम से, ये तो नहीं रहेगा कि नहीं पूजा करने से भी इससे उठना है। तो मैं इसीलिए पहले कटलेट बना दिए और बच्चों को नाश्ता वगैरह देकर, फिर मैंने ये माता रानी की चुन्नी मंगाई थी और ये माला मंगाया था, तो मैं उनको नया नवरात्रों में मैं उनके लिए माला और चुन्नी मंगा लेती हूँ, तभी बदलती हूँ उनके माता रानी का। तो मैंने दुपट्टा उनका बदल दिया, ये देखिए, और माला कितनी सुंदर लग रही हैं मेरी माता रानी, आप सभी लोग दर्शन कर लीजिए। और फिर मैं उनको ये अखंड ज्योत भी मैं जला लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा नवरात्रों में अखंड ज्योत जला लेती हूँ। तो ज़्यादा मेरी ज़्यादातर कोशिश रहती है कि मैं देखती रहती हूँ जल, और दिन रात जल के हिसाब से जले। और फिर मैंने मंदिर में माता रानी के मंदिर में भी पान का पत्ता रख दिया, उसमें लौंग, बतासे, इलायची, ये सब रख कर रख दी उनको भी, और घी की बाती रख दी। और ये नारियल का गोला माता रानी को चढ़ा दिया, ये 8 दिन तक नवरात्र 8 पड़ रहे हैं, तो मैंने 8 दिन तक ये नवरात्र का गोला रखा है, और फल मैं जो रोज़ जो फल आ जाए वो मैं चढ़ा देती हूँ। और सब पूजा वगैरह कर ली, तो फिर मुझे पाठ करना था, तो मैं पाठ करने बैठ गई थी। और फिर ये देखिए पान जो चढ़ाया था माता रानी का, वो उसमें जला कर मैंने आरती कर ली, ये देखिए 1.5 घंटा करीब काफ़ी टाइम लग गया था। पहले दिन की पूजा है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वैसे भी रोज़ तो लगेगा, लेकिन इतना टाइम रोज़ नहीं लगेगा जितना पहले दिन लगता है। और नवरात्रों की आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, और माता रानी सबके पर रक्षा करें और सबका भला करें, और जो आप लोगों की मनोकामनाएँ माता रानी सबकी पूरी करें। और बस अभी मैं मंदिर गई थी, पूजा वगैरह करी है माता रानी को। वैसे मैं जमा वगैरह नहीं बोती हूँ, क्योंकि ये रहता है ना कि कहीं बाहर वगैरह जाना हो तो फिर उसमें हफ्ते भर हम कहीं जा नहीं सकते हैं अगर हम जवे वगैरह बो देंगे, तो इसलिए मैं जवे वगैरह नहीं बोती हूँ। तो सिर्फ माता रानी के पाटे में माता रानी को स्थापित कर देती हूँ और अखंड ज्योत जलाती हूँ 8 दिन 8 दिन। हाँ, वैसे कहीं ज़्यादातर तो मेरी कोशिश यही होती है, कभी मजबूरी हो जाए तो जाना पड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश होती है कि 8 दिनों में मैं कहीं निकलती नहीं हूँ। तो अखंड ज्योति जलाती हूँ, तो दीपक में घी वगैरह देखना होता है तो करती हूँ। तो पूरा 13 अध्याय एक दिन में नहीं पढ़ते हैं, तो जैसे है एक हफ्ते में मतलब मेरे 13 हो जाए, इस तरह से मैं पाठ कर लेती हूँ, एक हफ्ते में 13 हो जाए तो मेरे हो जाते हैं। कभी अगर देखा कि 8 पढ़ रहा है तो उस हिसाब से पढ़ लेती हूँ, किसी दिन 2 कर लेती हूँ, किसी दिन 3 कर लेती हूँ, जैसा टाइम हो वैसा कर लेती हूँ। तो और उसके बाद अभी पहले पूजा मंदिर से आने के बाद मैंने श्रेयांशों के लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि वो लोग मम्मी कह रहे थे भूख लगी, भूख पाठ करती तो टाइम ज़्यादा लगता, तो फिर मैंने उन लोगों का पहले बीच में नाश्ता साबूदाना के अप्पे बनाए थे, तो वो अप्पे का साबूदाना वगैरह रखा हुआ था, पेस्ट बना हुआ आलू और साबूदाना का, तो मैंने बोलो कटलेट बना दो, तो मैंने कटलेट बना दिए। और अंशु के लिए सैंडविच बना दी, भरता भी रखा था आलू का, तो उसके सैंडविच अंशु को बना दिए, कटलेट अंशु को अच्छे नहीं लगते साबूदाना के, तो श्रेया के लिए कटलेट बना दिया, अंशु के लिए सैंडविच बना दी। फिर उसके बाद मैं पूजा करने बैठी थी। अब पूजा वगैरह करके चाय नाश्ता भी कर लिया मैंने, अब 12 बज रहे हैं, तो अब चल रही हूँ खाना की तैयारी करने, देखती हूँ अभी खाने में क्या बनाऊँ, व्रत वगैरह नहीं। तो मैं आपसे बातचीत करके देखा किचन में तो दूध रखा था, तो मैंने सोचा चलो दही थोड़ा जमा दिया जाए, गर्मी में दही अच्छा लगता है, शक्कर के साथ खाए या रायता वगैरह बन जाए। तो फिर मैंने दही जमा लिया, दूध को गर्म कर लिया अच्छी तरीके से, और उसमें दही का जामन 2 चम्मच डाल दिया और फेंट लिया,
बहुत ही अच्छा दही, बिल्कुल अगर पानी ना हो दूध में तो बहुत ही अच्छा दही जमता है और कम टाइम में जम जाता है। तो मैंने अच्छी तरीके से गर्म, ज़्यादा गर्म दूध हो तभी अच्छे तरीके से दही जमता है। तो मैंने दूध को फेंट लिया, दही जामन जो मिलाया था, और फिर ये हांडी, ये कांच की हांडी मैंने इसमें भर कर रख दिया, फेंट गया, और ये अभी 3-4 घंटे में आराम से जम जाएगा दही। और इधर देखा तो तरबूज आ गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो तरबूज काट लिया जाए, फ्रिज में रख दूंगी काट कर तो ठंडा रहेगा। तो फिर मैंने दही जमाने के बाद तरबूज काट लिया, छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको पहले काट कर रख दूं, क्योंकि छिक्कल वगैरह आओगे तो गाय खा लेगी, गाय को डाल दूंगी। और इधर जब पूजा उजा करने बैठ गई तो कपड़े मेरे नहीं फैले थे, तो मैंने सोचा चलो कपड़े फैला दूँ। तो फिर कपड़े पूरे धो चुकी थी, लेकिन ये थोड़े से मशीन में पड़े रह गए थे। तो फिर मैंने सोचा चलो बाद में, सब लोग नहाए धोए थे तो मैंने कपड़े बच गए थे, तो फिर मैंने वो कपड़े भी धो के फैला दिए। और ये पीसी धनिया है, तो मैंने सोचा चलो इतनी बची थी तो धूप दिखा दूँ इसको भी। पापड़ बनाए थे तो आंगन में डाल दिए, तो बस मैं सोच रही हूँ उनको उनको भी उठा के ले चलूँ, तो मैं उनको भी उठाने चल रही। तो साबूदाना के पापड़ भी मैंने बनाए थे तो वो धूप में डाले थे, तो मैंने सोचा चलो लगाते उनको भी उठा लूँ। तो ये देखिए साबूदाना के पापड़ भी, और आज नहीं बनाए थे ये, कल बनाए थे मैंने, तो ये सूख चुके हैं। पापड़ वगैरह उठा के लाई, फिर खाना वगैरह बनाया, फिर सब काम करने के बाद मैं लेट गई। लेटने के बाद शाम को उठी तो देखा अखंड ज्योत में, देख लूँ घी है कि नहीं, तो देख ये घी नहीं था, थोड़ा ही रह गया था, तो फिर मैं घी डालने लगी थी। तो मैं देख लेती हूँ, 2-3 बार देख लेती हूँ, और शाम हो गई थी तो नाश्ता अभी ज़रूरी था, तो हल्की फुल्की भूख सबको लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो पॉपकॉर्न बना लिया जाए। तो फिर मैंने उनको पॉपकॉर्न के लिए मैंने ये पैकेट लाई थी, तो इसमें मक्खन वगैरह नमक वगैरह सब था, तो इसमें कुछ भी डालना नहीं होता, मक्खन वगैरह भी नहीं डालना होता। तो मैंने कुकर में सीधे पैकेट खोला और इसको डाल दिया, कॉर्न को 2 पैकेट मैंने बनाए थे, और ढक्कन लगा दूंगी और वही 2-4 मिनट में पक जाएंगे। तो फिर मैंने उधर चाय चढ़ा दी थी, उधर पॉपकॉर्न चढ़ा दिए थे। ये देखिए सीटी नहीं आई थी, सीटी नहीं लेनी थी मुझे, तो मैंने ये देखिए मैंने मक्खन भी नहीं डाला, नमक, और नमक अगर आपको कम लगे तो आप ऊपर से मिला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं कम लगा। और बच्चों को पॉपकॉर्न दे दिए थे, फिर मैं तो मैंने दोपहर को तरबूज नहीं खाया था, मैंने देखा फ्रिज में तरबूज मेरा रखा था, सब लोग को दे दिया था, लेकिन मैंने खाना खाया तो मेरा मन नहीं था खाने का, तो फिर मैंने सोचा पॉपकॉर्न बाद में खा लूँगी, पहले तरबूज खा लूँ। तो फिर मैंने तरबूज ले आई और मैंने खा, अच्छा लगा, ठंडे ठंडे फ्रिज के थे तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मीठा भी था तरबूज। और ये जो मसाला धनिया का था जो धूप में दिखाया था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी भर के रख देती हूँ, तो डब्बा मेरा भर चुका था, तो मैं इतना एक्स्ट्रा था तो मैं उसी पॉलिथीन में रख दूँगी, जब डब्बा खाली होगा तो फिर उसी डब्बे में डाल दूँगी। तो मैंने इसको धूप दिखा दिया था, तो ऐसे पॉलिथीन भर कर मैं रख दूँगी। और इधर चाय पत्ती भी, डब्बा खाली था चाय पत्ती का, तो मैंने सोचा चलो चाय पत्ती वाली। और ये ट्रे देखिए टूट चुकी है, इसकी प्लास्टिक वैसे भी अच्छी नहीं थी, मेला से लाई थी, प्लास्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ये गिरी और टूट गई। तो देखिए बिल्कुल अच्छी डिजाइन अच्छी थी, अफसोस भी हुआ थोड़ा। और इधर फिर बर्तन जो साफ करे थे वो बर्तन मैंने सोचा चलो लगा दूँ, तो बर्तन लगा रही थी, धुल चुके थे दोपहर को, तो किचन में धूप आती तो अच्छी तरीके से सूख जाते, जब सूख जाते तभी मैं बर्तन लगाती हूँ। और मैं सब काम करके आई हूँ, मतलब सब काम क्या, भगवान की संध्या भी आरती है, नवरात्र चल रहे हैं तो आरती वगैरह सब कर आई हूँ। और आप लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आज के दिन से, हिंदू धर्म के अनुसार आज के दिन से नया साल लगता है, तो आज के, इसीलिए मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आज बताते हैं कि, सब लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने आज सृष्टि की रचना की थी तो आज से नया वर्ष की शुरुआत होती है। तो मैं मोबाइल में कुछ पढ़ रही थी, व्हाट्सएप में देख रही थी, तो मैं एक आप लोगों को सुनाती हूँ कि बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को पढ़ के बताया जाए। तो है, कर्म का धर्म से अधिक महत्व क्यों है, कर्म का धर्म से अधिक महत्व क्यों है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग कर्म धर्म करते हैं तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगने के लिए करते हैं, और कर्म करने से भगवान स्वयं फल देते हैं, और जब हम अपना कर्म करते हैं तो भगवान हमें खुद ही अपने आप ही फल देता है। तो बस मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ आप लोगों से, कल फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। आज मैंने चश्मा लगा लिया और मेरी बिंदी कहीं गिर चुकी है, रात हो चुकी है, मैंने आरती वगैरह सब कर दी है भगवान की, तो मैं आपसे विदा ले रही हूँ, कल फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।